हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 2014 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, आई एम नॉट श्योर कि ये गेम किस लेवल पर खेली गई थी। माइट बी फ्रेंडली मैच हो सकता है या माइट बी किसी और प्रकार का मैच हो सकता है। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी वाजदा वर्सेस ली। एग्जैक्टली तो मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन वाजदा लेवेंते वाजदा है। अगर ये वही लेवेंते वाजदा है जो मैं सोच रहा हूं, तो वे रोमानियन ग्रैंड मास्टर थे। और इनके सामने खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं ली, शायद वे ली चाओ हैं, नॉट एग्जैक्टली। चलिए, गेम बहुत अच्छी है और गेम को जो सेलेक्ट करने का मेरा रीजन है, वाकई में बहुत गजब की टैक्टिक्स है। यहाँ e4 के साथ वाजदा ने शुरू किया, ली ने यहाँ e5 खेला, Nf3, Nc6, Bc4, इटालियन गेम, Bc5, देन हुआ c3 ग्यूक्यूपियानो, Nf6 देन d3। इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, Nb गोज टू d2, देन हुआ d6, तो b4 बिशप पर अटैक, बिशप का b6 स्क्वायर पर ही जाना बनता है, देन a4, और अगले मूव में यहाँ एक पॉन एक कदम और आगे पुश होना है बस। तो इसीलिए ब्लैक को यहाँ करना पड़ेगा a6, ताकि बिशप के जाने के लिए कोई रास्ता बचा रहे। और इसके बाद वाजदा ने यहाँ कैसल किया, Ne7 देन a5, बिशप को पुश किया a7 स्क्वायर पर, देन हुआ Nh4। और फ्रेंड्स, यहाँ ये डबल नाइट की ऑप्शन है, तभी यहाँ व्हाइट अपने नाइट को जंप कराकर h4 स्क्वायर पर ले जा पाया है। खैर, पहले आया d5 का मूव, तो e takes d5, Nx d5, पोजीशन इज वेरी मच इक्वल। देन Qb3, और क्वीन के b3 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या किसी प्रकार का कोई अटैक लग सकता है, क्या कोई टैक्टिक्स लग सकती है? मैंने ज्यादा इस तरह की टैक्टिक्स देखी नहीं है। हाँ, लेकिन नाइट का h4 स्क्वायर पर होना माइट बी सम काइंड ऑफ ट्रबल दे। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ हुआ था Nf4। नाइट के f4 स्क्वायर पर आने के बाद प्रेशर बन रहा है इस d3 पॉन पर, तो यहाँ पहले खेला गया Nf3, Nx d3 और Bxd3, देन Qxd3, Nxe5। यहाँ भी हम इस गेम को इक्वल मान सकते हैं, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ Bxe3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना, ये ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग है। Bxe3, Ftxe3, और अब क्या किया जाए, रोड आउट दिस e4 ऑप्शन, बहुत अच्छी ऑप्शन है। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्या किया जा सकता है, रुक को लगाया जा सकता है, नाइट को पिन किया जा सकता है। चलिए छोड़िए, इतना इंटरेस्टिंग है मैं है ये गेम खेली जा सकती थी इस तरीके से भी। खैर, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले अपने नाइट को g4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और नाइट के g4 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह का गेम अटैक बन सकता है, एज वी कैन सी दैट। लेकिन Bxf7 चेक, फ्रेंड्स ये मूव कहां से आया है? अगर हम यहां से इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और कंसिडर करें कि Rxf7 की ऑप्शन कैसी रहेगी, तो क्लियरली ये ऑप्शन एक ब्लंडर माना जाएगा, क्योंकि यहां पहले होगा Ng5, और नाइट के g5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से f7 रुक पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। इनफैक्ट ये नाइट भी है, तो इसका डिफेंस करना, मतलब व्हाइट डेफिनेटली यहां रुक जीत चुका होगा ब्लैक का, तो इसीलिए ब्लैक ने अपने किंग को मूव किया h8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप g6। और फ्रेंड्स, आई थिंक यहां पर व्हाइट को इस बिशप को रखना ही नहीं है अपने पास। क्या यहाँ h6 के ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है? करके देख लेते हैं। वैसे डेफिनेटली जो इमीजिएट नजर आ रहा है वो फॉक तो नजर आ ही रही है। चलिए फॉक लगाते हैं पहले, Nxg6 चेक, किंग h7 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन होगा Nxf8 चेक, और Nxf8 के बाद अगर यहाँ Qxf8 हुआ तो उसके बाद Nxg5 चेक, और यहाँ ये क्वीन ब्लैक को आफ्टर ऑल गंवानी ही होगी। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब किंग के लिए दो, किंग को ही मूव किया जाएगा, तो किंग के लिए दो ऑप्शन है h8 और h6 के रूप में। चलिए पहले रख लेते हैं किंग को h6 स्क्वायर पर, देन उसके बाद क्वीन g8, और क्या इस चेक मेट का किसी भी प्रकार का कोई डिफेंस है? सिर्फ एक यही कि यहां पर ब्लैक अपने क्वीन से इस नाइट को ले ले, मींस क्वीन को सेक्रीफाइस कर दे। और अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, यहां किंग h8 अगर मान लेते हैं कि ब्लैक करता है, तो उसके बाद होगा यहां पर Nh4, और फिर वही अगले मूव में सॉरी चेक मेट की तैयारी है, और इस चेक मेट से बचना आसान बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ इस पोजीशन से और क्या ऑप्शंस कंसिडर की जा सकती है ब्लैक के लिए? ब्लैक के लिए एक मूव जो मुझे नजर आता है सबसे अच्छा, वो है रुक को f6 स्क्वायर पर लाकर यहाँ इस बिशप को एलिमिनेट करने की थ्रेट देने का है। और अगर यहाँ से ये आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस है इस बिशप को रिट्रीट करना होगा, वापस लेना होगा, Bxd3, Qxd3, यहाँ पर ये इस तरह की ऑप्शन कंसिडर की जा सकती थी। लेकिन यहां पर आई थिंक ब्लैक थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो गया, उन्हें लगा कि शायद वे वाजदा की गेम में कुछ वीकनेस क्रिएट कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ किया Nxe3,
नाइट टेक सी थ्री होने के बाद यहाँ गेम में लगा नाइट जी फाइव, और डेफिनेटली फ्रेंड्स आप यहाँ माने या ना माने ये गेम चेकमेट के बहुत नजदीक है। यहाँ इस पॉइंट पर अगर ब्लैक को चेकमेट से बचना था तो सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं, बिशप एफ फाइव की ऑप्शन कंसिडर की जा सकती थी, बिशप सेक्रीफाइस किया जा सकता था। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट एफ सेवन चेक का रिस्क लिया जा सकता। चलिए और इसके बाद ब्लैक किसी भी तरह से मेटल एक्सचेंज करे, यहाँ पर नो डाउट डेफिनेटली व्हाइट जीतने वाला है। लेकिन ली अपने ऊपर आने वाले खतरे को बिल्कुल नजरअंदाज कर गए, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स एफ सेवन, और नाइट टेक्स एफ सेवन करने के बाद अब यहाँ सिर्फ मैटर ऑफ टैक्टिक्स है, और जिसको भी यहाँ से चेकमेट नजर आ रही है तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ सारा फोर्सफुल सीक्वेंस है चेकमेट तक पहुंचने का। यहाँ व्हाइट ने किया क्वीन जी एट चेक, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि रुक टेक जी एट किया गया तो उसके बाद नाइट एफ सेवन चेक एंड दैट्स एन मेट, और अगर यहाँ किंग टेक्स जी एट की ऑप्शन जो कि की गई थी इस गेम में सॉरी, तो बिशप टेक्स एच सेवन चेक, किंग वापस फाइनली एच एट स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद होगा नाइट जी सिक्स चेक और यहाँ एमेट। फ्रेंड्स ये गेम चाहे टूर्नामेंट में खेली गई हो या फ्रेंडली गेम हो, चाहे खेलने वाले ग्रैंड मास्टर हो या नॉर्मल, लेकिन गेम की टैक्टिक्स बहुत ही कमाल की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अंशुल वर्मा जी की बताई हुई गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।